बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज आपके लिए जी बहुत स्पेशल हमारी वीडियो है। पहले कुछ आपको शर्ट्स दिखाएंगे फैंसी इंडियन फैब्रिक के ऊपर, जो ज़बरदस्त सी शर्ट्स होती हैं, और उसके बाद आपको प्योर चाइना क्रिंकल शेफोन के खूबसूरत खूबसूरत रेशम वर्क के जोड़े दिखाएंगे। ये मैंने आपको जो है ओवरव्यू दे दिया है। अब हम बिस्मिल्ला करके जी पहला जो है वो पहली शर्ट जो है ना स्टार्ट करते हैं दिखाना। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सा पीच कलर है, चिकनकारी और जो है ना कट वर्क नेट वाला काम, ये देखिए माशाल्लाह से नीचे नेट है, इसके ऊपर चिकनकारी और नेट का कटाव वाला काम है, देखिए ठीक है, ये इसका काम है। इस तरह से ये नीचे नेट लगी हुई है, नेट वाला काम है, ये इस तरह से नीचे छोटा सा पट्टी वाला बॉर्डर आएगा, नीचे मरोड़ी वाली चिकनकारी है। अच्छा, ये ऊपर सारा इसमें काम है, देखिए ठीक है, पीच के ऊपर पीच ही धागा है, बीच में वाइट कंट्रास्ट किया हुआ है। फैब्रिक मैं बता देती हूँ, फैब्रिक जी बहुत अच्छी वाली फाइन क्वालिटी वाला है, ये इंडियन फैब्रिक होता है इसका, ये होती है कॉटन लॉन की तरह, ये सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू टाइप का होता है, इस तरह से फैंसी फैब्रिक जिस तरह होता है ना, इस तरह से होता है, तो आपको इसके नीचे स्लिप लगानी पड़ेगी। लॉन की स्लिप आप लगा सकते हैं और ईजिली इसको इवेंट्स और फंक्शन के लिए जो है ना वो कैरी कर सकते हैं। ये फुल फ्रंट है जी, और इसका दामन जो है काफ़ी बड़ा होता है, कपड़ा ये आप देख लें माशाल्लाह खुला है, आप इसको फ्रॉक्स भी बना सकते हैं। बैक है, बैक में मोटिव है, बूटियाँ हैं, और यहाँ से जी इसके बाजू हैं, बाजू के आगे पट्टी है, ये देख लें जी, ये इसका काम है। कलर ये बहुत खूबसूरत सा पीच कलर है और सेम ही ऊपर धागा लगा हुआ है। अच्छा, ये है जी येलो एंड वाइट के साथ, इसको आप ए लाइन भी बना सकते हैं, शर्ट भी बना सकते हैं और फ्रॉक भी बना सकते हैं, ठीक है, बच्चियों के लिए बना सकते हैं, जितना कॉलेजेस या इवेंट्स वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चियाँ बना सकती हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं पहना हुआ। ये नीचे इसके बॉर्डर की पट्टी आ जाएगी येलो, सेंटर में जी पैनल की तरह, सेंटर में बॉर्डर की तरह वही काम है। नीचे जी इसके नेट लगी हुई है कटाओ वाला, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लाइट येलो सा काम है, देखिए सारा वही शेडो वर्क और चिकनकारी दोनों टाइप का काम है। मरोड़ी वाला भी आ रहा है, बीच में जो भराई की हुई है वो शेडो की है, ये देखिए ये इसकी बैक है, मोटिव भी है, छोटी बूटियाँ भी हैं, और ये इसका बाजू है, यहाँ से ये इसके बाजू की एक पट्टी है, दूसरे बाजू की पट्टी, ये येलो एंड वाइट हो गया। ये है जी पर्पल पिंक सा ये शेड है, ये देखें इसके ऊपर जी यही बॉर्डर, ऊपर इसके दामन के ऊपर कटाओ, ये देखिए नीचे नेट लगी हुई है, इस पर भी दामन वाला इनका स्टाइल है, ऊपर जी फाइन चिकनकारी और साथ में शेडो वर्क के साथ भराई फुल काम है, ये देखिए ठीक है, इसका काम और कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, खुला कपड़ा है। ये इसकी बैग है, बैग पे आपको इस तरह से ये मोटिव भी मिलेगा, बूटियाँ भी हैं, और ये इसके बाजू हैं ठीक इस तरह से। अच्छा, ये है जी लाइट पिंक शेड है, बेबी पिंक का बिल्कुल लाइट टोन वाला शेड है, इसके ऊपर जी बहुत खूबसूरत काम है, ये इसका बॉर्डर है, कैरियाँ हैं फाइन वाली, देखें फाइन वाली चिकनकारी है, उसके बाद इस तरह से जी इसके नीचे भी नेट है, छड़ियों वाला आप समझ लें पैटर्न है इस तरह से, ये देखें ठीक, ये लाइनों में ये पट्टियों में आ रहा है, एक काम है चिकनकारी वाला, एक पट्टी जो है वो कटाव वाली है, नीचे नेट लगा हुआ है, नेट के ऊपर कटाव बनाकर, मतलब कटाव के फूल बनाकर फिर नेट के ऊपर नीडल के साथ सुई के साथ उसको लगाना बहुत मेहनत का काम होता है और बहुत डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ये है जी इसका मोटिव बैक का, ये इसका काम है, और ये इसके बाजू में ठीक है नेट वाले, बहुत प्यारा डिसेंट लाइट पिंक सा कलर है, डार्क एंड लाइट आप समझ लें कि इस तरह से इसका कंट्रास्ट है। अच्छा, ये है जी बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है इनका, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा वो कॉटन लॉन टाइप का है, ये समझ लें आप लॉन है, लेकिन ये फैब्रिक इसी तरह का ही है, ये देखें बिल्कुल स्विस वाला, जिस तरह स्विस लॉन होती है ना आप समझ लें कि बिल्कुल वैसा ही फैब्रिक है, और ये इसका काम है। अच्छा, स्किन और ब्राउन का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है, इसके साथ आप स्किन ट्राउजर मैच कर लें और बहुत प्यारा लगेगा ये, ये देखें ये इसका फुल फ्रंट है, इसके ऊपर ये चिकनकारी और साथ में जो है प्रेस कोटे का काम है, ये इसका काम है ठीक है। ये गला है इस तरह से, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम है, स्पेशल हमारी शर्ट्स हैं जिनके जो है ना काम इतना खूबसूरत है जो कि बहुत प्यारा लगता है, बहुत डिफरेंट है। ये है जी इसका बैक का मोटिव, इस तरह से इसकी बैक का काम है, ये देखें ये इसके बाजू पर डबल बॉर्डर है, ब्राउन और स्किन के कंट्रास्ट के साथ है इस तरह। अच्छा, ये है जी फिरोजी कलर है, ये वीडियो में डार्क आ जाता है लेकिन ये बहुत प्यारा सा लाइट है ना, डार्क है, मीडियम वाला जो फिरोजी कलर होता है ये वो है, उसके साथ वाइट काम है, ये इसका सारा काम है इसमें, ये देखें जी कैरियों में भी प्रेस कोटा लगा हुआ है, ये सारा काम है, और ये जो प्रेस कोटा है ना ये उतरेगा नहीं ठीक है, मजबूत लगा हुआ है, ये इसका गला है ठीक है। इस तरह से फैंसी शर्ट्स हैं, आप ईद के लिए ले सकते हैं, गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं। इसकी बैक बहुत खूबसूरत है, ये देखें बड़ा बड़ा ना वो कैरियों से दो बनाई हुई हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। ये इसके बाजू आप देखें जी माशाल्लाह कितना भरा हुआ काम है,
ये दोनों बाजू हो गए। अच्छा यहाँ से दिखाते हैं जी आपको ऑर्गेन्जा के दो सूट, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे प्योर के। ये है जी ऑर्गेन्जा का लाइट पिंकिश शेड है और उसके ऊपर जी एप्लिक भी है और हाथ का काम है, बहुत खूबसूरत काम है। ये कपड़े का शेड है, ठीक है, ये शेड है और ये एप्लिक है, ये देखें इस तरह से, ठीक, बीच में जो काम है वो ये है, बहुत ही प्यारा काम है। ये इसका फुल दुपट्टा है इस तरह से। ऑर्गेन्जा का आपको पता है जी कपड़ा कैसा होता है, कॉस्टली होता है, तो इनकी रेंज भी थोड़ी महंगी वाली ही होती है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर एप्लिक भी है और साथ में जो है ना वो हाथ का काम है। ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर हाथ की मेकिंग मतलब हैंड के साथ हैंडमेड काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको पता है हमारे ऑर्गेन्जा के सूट जो है बहुत फेमस हैं। ये इसके फोर साइडेड इस तरह से जी एप्लिक है, ये आप देख लें, सारा सुई के साथ काम है, ठीक है, सारा सुई के साथ ये इसका काम है बीच में, ये देखें ये बीच का काम। अच्छा एप्लिक जो है इसकी एक तो बॉर्डर भी आ जाएगा, ये देखें बॉर्डर, एप्लिक पत्ती वाला बॉर्डर आ जाएगा, और दूसरा ये फ्रंट और बैक पर इसी तरह से कलियों की तरह ये एप्लिक वाली पट्टी जा रही है। इसका गला भी है, ये देखें जी ये इसका गला है, इस तरह से इसका काम है, ये इसके फूल हैं, ये बैक है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जब इसके नीचे स्लिप लगेगी ना फिर इसकी खूबसूरती जो है ना वो क्लियर पता चलेगी। ये बाजू हैं, बाजू देखें माशाल्लाह, बाजू पर भी एप्लिक है और साथ में ये काम है, ये इसके ऊपर शीशा भी साथ साथ लगा हुआ है, बॉर्डर है बाजू का। अच्छा ये है जी ग्रे कलर में, ग्रे के ऊपर डार्क स्किन सा काम है, इसके साथ प्योर शिफोन का दुपट्टा है जो कि बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, इसके दुपट्टे में शीशा सारी बूटी, ये इसका जी बॉर्डर है इस तरह से बंचिस के साथ, बहुत डिसेंट सा ग्रे कलर है ये, ये देखिए, और इसके ऊपर डार्क स्किन काम है, दुपट्टा हो गया और इसके बाजू हैं। इसका तो आप एक्स्ट्रा लार्ज से भी मतलब डबल एक्स्ट्रा लार्ज साइज बन जाएगा, काफ़ी खुला इसका कपड़ा है, कपड़ा उसका भी काफ़ी खुला है, लेकिन इसके बाजू भी फिर अलग से हैं, ये देखिए, फिर इसके ऊपर बाजू के आगे तारकशी और इस तरह से इसका काम है, ये देखें ये इसकी शर्ट है माशाल्लाह, दामन देखें कितना खुला है, ये आप चाहें तो इसको फ्रॉक भी बना लें। ये है जी इसका दामन का, यहाँ पे आएगी तारकशी और ऊपर जी बॉर्डर आ जाएगा, शीशा है, गला बना हुआ है, ये इसकी बैक साइड है बूटी के साथ, ये देखें बहुत फाइन तारकशी है, इस तरह से इसका काम है और ये सारा डिसेंट सा ग्रे कलर है और डिसेंट ही काम है, ये सारा इसका गला बना हुआ है, ये बैक इसकी बूटी आ जाएगी। अच्छा यहाँ से आपको दिखाते हैं जी रेशम के प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन के ऊपर रेशम के धागे के काम के सूट है हमारे पास और बहुत बहुत खूबसूरत है। ये है जी बहुत ही प्यारा सा स्किन कलर है, उसके ऊपर ये पक्के का और चिकनकारी का काम है, ये देखें ये इसका मल्टी कलर का काम है, ये इसका बीच का काम है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, फोर साइड बॉर्डर, बीच में सारी बूटियाँ, डिसेंट कलर है। ये है जी इसकी शर्ट, इस तरह से इसकी शर्ट है, ये आप देख लें ऊपर शेडो वर्क टाइप का काम है, साथ में जी ये इसका बॉर्डर है इस तरह से, ये साइड से बाजू है, बाजू ये काम मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ इस तरह से, और ये देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। रेशम का धागा क्योंकि स्लिप होने वाला होता है, इसकी मेकिंग मुश्किल होती है, लेकिन ये काम बहुत नीट है, ये देखें बाजू पर डबल बॉर्डर आएगा, बहुत डिसेंट सा कलर है। अच्छा ये है जी ब्लैक में, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक के ऊपर मल्टी कलर का काम और वो भी प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन का ओरिजिनल ब्लैक फैब्रिक और उसके ऊपर रेशम का धागा, इवेंट्स पर बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पहना हुआ, स्पेशली नाइट फंक्शन होते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह आप काम देखें, सफाई देखें, सारा रेशम का काम है, फुल फोर साइडेड दुपट्टा बड़े साइज का ब्लैक कलर में। अच्छा ये है जी इसकी शर्ट, इस तरह से ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, यहाँ से ये इसके बाजू हैं और ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, ये बॉर्डर ऊपर देख लें जी माशाल्लाह, इसमें सीक्वेंस भी है और बहुत खूबसूरत काम है। यहाँ से इसका दूसरा बाजू, ये बैक साइड, इस पर डबल कलर का काम है, ये आप देख लें, एक ब्लैक के साथ मिलता जुलता टून है, एक एक ग्रे है और एक वाइट है, तीन गुच्छियाँ मिलाकर रेशम की लगाई हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है और सच में हमारा रेशम का बहुत ज़्यादा धागा इस पर लगा है, ठीक, ये इस तरह से। ये बहुत डिसेंट है, आज के माशाल्लाह जोड़े एक से बढ़कर एक है। इसका दुपट्टे का पैटर्न देखिएगा कि कितना खूबसूरत है, फोर साइडेड तो पहनते रहते हैं, ये देखें पल्लुओं पर कितना हैवी काम है, कच्चे का काम है, बीच में पक्के का भी है, ये देखें और सीक्वेंस भी है, ये देखें। जो वाइट जो मैं दिखा रही हूँ वो टाइएबल है, आप इन्हीं में से कोई भी लाइट कलर, स्पेशली ग्रीन कलर, ये भी बहुत इन है, ये भी लेकर आप इसको टाई करा लें लाइट से टोन में, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। ये दुपट्टा है, ये इसकी शर्ट है जी, ये देखें माशाल्लाह इसका काम बहुत डिफरेंट है,
साइड से इनके बाजू निकलेंगे, यहाँ से पट्टी का काम और यहाँ और बीच में पक्के का टच। ये फुल फ्रंट माशाल्लाह से खुला कपड़ा, ये इसकी बैक साइड है शर्ट की भी और बाजू की भी। ठीक, ये देखें, ये सारा रेशम का है, कच्चे वाला भी सारा रेशम का है, टोटल रेशम के धागे का काम है। ये भी बहुत प्यारा कलर है, इसके ऊपर जी चिकनकारी है और बहुत खूबसूरत काम है। ये इसका बॉर्डर है पल्लू वाला, ये देखें, बंचेज अलग है, बॉर्डर अलग है, साइडों पर जी कैरियों वाला सेम ही, आप समझ लें एक आध टून का फर्क होगा, सेम ही आप समझ लें कि धागा है। ये देखें, ये सारा इस तरह से इसमें काम है, ये फुल दुपट्टा है, फुल इसका माशाल्लाह दुपट्टा। ये इसकी शर्ट का फ्रंट, ये देखें माशाल्लाह कितना डिफरेंट पैटर्न है, ऊपर सारा कैरियों वाला स्टार वाला पैटर्न है और यहाँ पर जी ये इसका बॉर्डर है, यहाँ से ये इसके बाजू बनेंगे, ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से दूसरा बाजू बनेगा। ये देखें, ये इसका एक बॉर्डर ये है, एक है ये, और ये काम है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम है, बहुत प्यारा सा कलर है, ये इस तरह से। अच्छा, ये भी स्किन सा कलर है और आप देखें माशाल्लाह इसका पैटर्न, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैटर्न है। ये देखें इस तरह से, ये बंच बंच क्या पूरा बॉर्डर ही है, ये बीच में जी इसमें वो भी है, सीक्वेंस भी है, इस तरह से सारा ये जा रहा है काम, एक लाइन ये, फिर बीच में छोटे छोटे फूल, फिर दूसरी लाइन ये। ठीक, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट काम है, ये भी कच्चे का काम है और सारा रेशम का, बीच में इसमें सीक्वेंस भी है। ये इसकी शर्ट है, फुल भरी हुई जाल में इसकी शर्ट का पैटर्न है, कच्चे का पैटर्न है। ये देखें, यहाँ से बाजू बनेंगे, ये शर्ट का फुल फ्रंट है, ये बाजू की बैक भी और शर्ट की बैक भी इस तरह से काम के साथ आएगी। ये इसका काम है और ये वाला कलर है, ठीक है, इस तरह से इसका काम है। अच्छा, ये वाइट के साथ है रेशम का और ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको आप डाई भी करा सकते हैं, वाइट है क्योंकि लाइट से शेड में आप डाई करा सकते हैं। ये इसका फोर साइडी बॉर्डर है, छोटी छोटी बूटी वाला काम है और बहुत खूबसूरत काम है, कलरफुल भी है और प्यारा भी है। ये देखें इस तरह से फुल बड़ा दुपट्टा है, ये इसका काम है। ये इसकी शर्ट है, इसमें जी गोटा भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का ना। ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, ये बॉर्डर डबल बॉर्डर है शर्ट पर, ये देखें जिस तरह मरोड़ी वाली होती है ना चिकनकारी, उसी तरह शेडो वर्क का जाल बना के बीच में मरोड़ी वाला काम किया हुआ है और बहुत खूबसूरत है ये माशाल्लाह, आप इसकी देख लें खूबसूरती। बीच में ये देखें बेलों में सारा गोटा और बीच में फूल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि कितने खूबसूरत जोड़े हैं। ये बाजू का बॉर्डर दूसरे का, इसी तरह से सीधा लाइन में ये यहाँ से पूरा बाजू उतरेगा ना, यहाँ से ये बैक साइड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पैटर्न्स की, सारा टोटल रेशम वर्क का। यहाँ तक थे जी हमारे रेशम के सूट, ये है जी गुल्ले सिटे का, स्किन सा कलर है, लाइट लेमन स्किन जो होता है ना उस तरह का, अच्छा बादामी स्किन आप समझ लें उस तरह से। ये इसका बॉर्डर, इसका काम भी बहुत खूबसूरत है, इक्वल बॉर्डर है, फोर साइडेड, ये देखिए हैवी पैटर्न के साथ बनकर आए हैं और बहुत नीट काम है, ये फुल इसका काम है। ये इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट का फुल फ्रंट भरा हुआ है माशाल्लाह, पहले बॉर्डर है फिर ऊपर बंचित और बूटियाँ। ये देखिए शीशा विशा कुछ भी नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई, सिंपल सा प्यारा सा काम है, कलरफुल। यहाँ से जी बॉर्डर, ये बैक पे बूटे, यहाँ से दूसरा बाजू, बाजू भी हैवी बॉर्डर के साथ है। ये देखिए इसका ये पैटर्न बहुत खूबसूरत है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये बहुत पसंद किया जाता है माशाल्लाह से, इसके ऑलमोस्ट सारे कलर जो हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, दो लास्ट पीसेज इनमें रह गए हैं और ये बहुत खूबसूरत है। आप चाहें आज भी, मैं एक क्लाइंट का ना, मेरे बाहर की क्लाइंट है, उनका मैं इसी के साथ का सूट देकर आई, उन्होंने कहा कि जो ऊपर धागा लगा हुआ है ना उसे एक टोन लाइट शेड में करवा दें, और आप चाहें तो आप करवा भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसका धागे का कलर भी बहुत खूबसूरत है, ये वाला कलर है, ठीक है ना, ये रस्ट है ना ये पीट है, बहुत प्यारा कलर है। एक तो फोर साइडेड रेडी टू वेयर इस तरह से दुपट्टा है, क्रोशिया किंगरी, फिर बीच में ये सारा काम है, ये देखें इस तरह से। ये छह पट्टियां हैं इसमें, सारी फाइन वाली जो अच्छी वाली तारकशी होती है वो है, मेरा वर्क अलग है, इस तरह से काम अलग है, बहुत प्यारे सूट है। इनके बाजू अलग से हैं, ये देखें ये बाजू इस तरह से, बाजू पर भी आप देखें कि कितना हैवी काम है, ऊपर भी शीशा, ये दो बाजू हैं इस तरह से। ठीक, और ये इसकी शर्ट है, फ्रॉक बनाएं इसका जो है, लॉन्ग शर्ट बनाएं आप, बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल जो है ना डिफरेंट चीज़ है। ये इसका बॉर्डर है, ऊपर भी सारा काम है, शीशा है बैक पर, इस तरह से बूटियां हैं इसमें, काम बहुत बहुत नीट है। ये देखें, एक इसमें ये बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर ये ऊपर का, इसका काम
इस तरह से। अच्छा इसमें एक ये डार्क कलर है, ठीक है, पैटर्न वन है इसका, और एक इसमें जी पीच पड़ा हुआ है, जो लाइट पसंद करते हैं ना उनके लिए। सेम पैटर्न सेम है, कोई फ़र्क नहीं, पीच है, पीच का दुपट्टा, ये पीच की शर्ट, ये देखें पीच में ये है कि पीच को आप चाहें तो इनको कंट्रास्ट भी करा सकते हैं, पीच से इसे थोड़ा सा डार्क करा लें, पीच में करा लें, ग्रीन करा लें, कोई भी कलर अच्छा सा लाइट शेड में करा लें, पर्पल रेड पीच के साथ रेड भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये इसके बाजू, ठीक, सेम वही पैटर्न है, कलर सिर्फ धागों का चेंज है, ठीक है। ये दो सूट एक जैसे। अच्छा ये हैं जी हमारे, ये काफ़ी लेट बन कर आए हैं, करते हैं ये आप समझ लें कि ग्रिप टाइप का फैब्रिक है, ये देखें इस तरह से, ये रेशमी फैब्रिक है, ये ग्रिप नाइट फंक्शन है, चल रहा, हाँ नाइट फंक्शंस में भी चल सकता है ये, उसमें भी चल सकता है, कलर उनमें चल जाएगा। हाँ कलर बहुत खूबसूरत है, मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ तो जो लेना चाहे वो देख ले इसका। ये देखें जी इस तरह से ना ग्रिप वाला फैब्रिक है, इसका काम बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है बहुत ही प्यारा सा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एप्लिक है और साथ में बहुत ही प्यारा सा हाथ का काम है। ये बाजू है, ये आप देखें माशाल्लाह, ये इस तरह से इसके बाजू, ये इसका फैब्रिक ये है, बहुत शाइनिंग वाला फैब्रिक है। अच्छा रखने के लिए भी आप ले सकते हैं क्योंकि शादियों के जो कपड़े होते हैं ना उसमें हर तरह का फैब्रिक यूज़ किया जाता है। ये बैक है और ये है जी फ्रंट, बहुत खूबसूरत सा, टुकड़ियों वाली जो एप्लिक हमारी स्पेशल एप्लिक होती है वो देखें आप, लगी हुई है सारी, फुल जाल है, और ये है जी गला, ठीक है, इस तरह से बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है, ये मजिंडा सा कलर है इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम फैब्रिक है इसका भी, ठीक है। ये है जी इसका बाजू का स्टाइल, एप्लिक लगी हुई है और साथ में सारा इसमें काम है, शीशा भी लगा हुआ है पक्के का, ये एप्लिक और ये पक्के का काम, इस तरह से जी इसके बाजू। बैक आपको प्लेन मिलेगी, ये शर्ट्स हैं और खुला कपड़ा है, खुला डुला कपड़ा है, 3 मीटर से भी ज़्यादा का है, ये इसका सारा काम है। ये देखें ये इसका गला है, इसका गला बहुत प्यारा है इस तरह से, ठीक है, देख लें इसके ऊपर रेशम का काम किया हुआ है, ये आप देख लें रेशम का धागा लगा हुआ, जो अभी मैंने आपको रेशम के सूट दिखाए उसी के साथ का, इस तरह से इसलिए छोटा गला बनाया हुआ, आपको बताया ना रेशम का धागा काफ़ी कॉस्टली होता है, उसका गला बड़ा है, उसके गले के ऊपर शीशे लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसके गले के ऊपर रेशम के धागे का काम है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।